हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक चटनी के बारे में। जी हाँ, ऐसी चटनी जो कि मल्टीपर्पज यूज आप कर सकते हैं। ये चटनी इंडो चाइनीज है और इसका जो टेस्ट है वो चाइनीज है, लेकिन इसके जो स्पाइसेस हैं वो एकदम इंडियन स्पाइसेस की तरह टेस्ट देते हैं। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं, आपको स्पाइसी फूड पसंद है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। चलिए मैं दिखा देती हूँ मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, चिंग सीक्रेट की सेजवान चटनी। जी हाँ, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं इस चटनी को। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है चिंग सीक्रेट की सेजवान चटनी। जी हाँ, डिप, स्प्रेड एंड कुक, आप इसे कैसे ही भी यूज़ कर सकते हैं। एज अ डिप यूज़ कर सकते हैं, आप ब्रेड पे स्प्रेड करके खा सकते हैं, एंड इसे कुक करके भी खा सकते हैं। आप अपने डिशेज में इसे ऐड कर सकते हैं। इधर पर एक लोगो दिखाया गया है, आई लव देसी चाइनीज, जैसा कि ऐड में भी दिखाया जाता है। इधर ग्रीन डॉट है, मीन्स ये वेजिटेरियन है, इसको वेजिटेरियन लोग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस साइड पे इसमें दिखाया गया है कि आप इससे कौन कौन से डिशेज बना सकते हैं। आप इससे पिज्ज़ा, बर्गर, स्नैक्स, लॉलीपॉप्स, पराठा और इसके अलावा भी बहुत से डिशेज बना सकते हैं। फ्राइड राइस या फिर किसी भी डिश में इसे ऐड कर सकते हैं, नूडल्स, पास्ता, मैक्रोनी। फ्रेंड्स, इसके नीचे बैच नंबर, MRP, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज्ड बाय डेट्स दी गई हैं। इसकी जो मैन्युफैक्चर डेट है वो 17/5/22 है एंड यूज्ड बाय 16/11/23 है। मींस इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो 18 मंथ्स की, आप अप टू 18 मंथ्स इसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो प्रिंट रेट है वो 80 रुपीज़ है और इसका जो वेट है वो 250 ग्राम है। मीन्स आपको 250 ग्राम की बोतल 80 रुपीज़ में मिलती है, बट ये 80 में नहीं, इससे कम प्राइस पे आपको लोकल मार्केट में मिल जाती है। तो इसके नीचे इसका बारकोड है, आप इसे स्कैन करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आफ्टर दैट राइट साइड कॉर्नर में इसकी स्टोरेज इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको इसे ओपन करने के बाद फ्रिज में स्टोर करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। आगे इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ दी गई हैं, आप देख सकते हैं। इसमें है एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, टोटल शुगर, एडिड शुगर, टोटल फैट, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड सोडियम। फ्रेंड्स, आफ्टर दैट इसके इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं। इसमें है वाटर, सनफ्लावर ऑयल, शुगर, आयोडाइज सॉल्ट, चिल्ली, कॉर्नस्टार्च, गार्लिक, ऑनियन, जिंजर, थिकनर एंड एक्सेट्रा। आफ्टर दैट उसके नीचे एलर्जन एडवाइस दी गई है और उसके नीचे अगर हम देखें तो इसकी कंपनी का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई हैं, जिस पे आप कॉन्टैक्ट करके कोई भी क्वारी अपनी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली लास्ट में एक वेबसाइट दी गई है जिस पे आप चिंग सीक्रेट की रेसिपीज जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये चटनी दिखती कैसी है। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये काफ़ी कलरफुल है। और इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है, ये देखने में बिल्कुल मोमोज की चटनी जैसी दिख रही है और थोड़ा थोड़ा टेस्ट भी वैसा ही आता है, क्योंकि ये भी उसी की तरह काफ़ी स्पाइसी है और इसमें काफ़ी ऑयल्स हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी स्पाइस एंड ऑयल का यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो चटनी है मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, मैं काफ़ी टाइम से यूज इसे करती हूँ। मेरे घर में आपको काफ़ी खाली जार्स भी इसके मिल जाएंगे, क्योंकि ये है वर्सेटाइल चटनी है, ये मल्टीपर्पज़ यूज़ इसका कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे राइस में डाल के फ्राई करके सेजवान राइस बच्चों को बना के दे सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसे किसी भी अपनी सब्जी में डाल दीजिए, उससे भी उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट बढ़ जाता है। आप इसे नूडल्स में डाल सकते हैं, पास्ता में डाल सकते हैं, मैक्रोनी में डाल सकते हैं, बर्गर में डाल सकते हैं, पराठों में डाल सकते हैं, या आप इसे एज अ डिप भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चटनी है ये काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो डायबिटिक हैं और जो लोग फिटनेस फ्रीक हैं, वो लोग इसे ना यूज़ करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस का और ऑयल का ज़्यादा यूज़ किया हुआ है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपने ये यूज़ की है तो आपको कैसी लगी, आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, आप लोगों को कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।